बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। मौलाना साहब बहुत अच्छा दर्ज दिया आपने, इस पे तो जितना भी बताएं काम है, बहुत मुश्किल से ये जुबान जो है काबू में आती। मुझे एक बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको बचाए रखे इस कितने जुबान से। अच्छा, मैं रोजाना रात को नमाज चलाते इस्तखारा नमाज के लिए पढ़ती हूँ रोजाना दो रकात। तो मैंने बच्चों की वजह से बहुत परेशान हूँ, कोई रिश्ता समझ में नहीं आ रहा ना हो रहा, देखते कि मेरा दिल अजीब सा होता रहता। तो हाँ, मैंने देखा सुबह फजर की नमाज पढ़ के लेटी, तो मैं एक कलर वाली वाइट कलर की शलवार है वो पहन रही हूँ। फिर मैं कहती हूँ कि मेहमान आने वाले हैं तो मैं ना खाना बना कर फिर पहनूंगी, कहीं ख़राब ना हो जाए इससे। और फिर थोड़ी देर में देखती हूँ हाथ में ना मेरा एक सेट है गोल्डन सा, बड़ा सा काफी गोल्ड का सेट, तो मेरी आँख खुल जाती। और मुझे ये पूछना था कि जैसे नमाज में ये तशहुद जो पढ़ते हैं उंगली उठाते हैं तो वो हम भूल जाते हैं कभी कभी, और फिर दोबारा तो उसके लिए दूसरी नमाज पढ़नी पड़ेगी, आप फिर सजदा सहव करने से ये हो माफी हो जा सकती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। सबसे पहले आपकी मोहब्बत को शुक्रिया, आप हमें प्रोग्रामों को हमारे मजामीन को पसंद करती हैं। अल्लाह ताला जो है उसका आपको भी बेहतरीन बदला अता फरमाए और हमारे लिए सदका जारिया बनाए। बाकी जो है कि आपने जो सवाल किया है तशहुद के हवाले से कि उंगली जो उठाते हैं कभी भूल जाते हैं तो क्या सजदे सहव करना पड़ेगा या दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी, नहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसलिए कि ये अमल जो है ये मुस्तहब एक अमल है। अशहदु अल्ला इला पे उठानी है, इल्लल्ला पे उंगली गिरानी होती है, अगर आप भूल जाएं तो उस पर ना सजदा सहव आता है और ना जो है नमाज लौटाने की आपको ज़रूरत है, लिहाजा उसके मुताबिक आप जो है वो अमल कर सकती हैं।